जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी की विवाह शादी में रुकावट है या पुत्र संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, कई उपाय करे, बहुत सारे उपाय करके आप थक चुके हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही या शादी के कई वर्ष हो चुके हैं, कई वर्ष के बाद में भी अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उपाय क्या करना चाहिए, किस प्रकार से, किस विधि से आप ऐसे उपाय करें जिससे रुकावट दूर हो, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति हो जाती है। तभी तो कहा गया है ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जो कर्म से ही नहीं, जो कर्म नहीं करना चाहता, तभी कहते ना भाग्य ही कर्म ही मृत्या दोष लगाए। जो केवल आलस में रहता है, कर्म उपाय करना नहीं चाहता, चाहता है कि मिनटों में काम हो जाए, तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। और कर्म के साथ में विश्वास अति आवश्यक है। अब भगवान का भजन करते रहो, कितना भी भजन करो, तपस्या करो, ऐसे तपस्वी हुए जो हजार हजार वर्ष तपस्या करी फिर भी भगवान नहीं मिले, और भाव से विश्वास से एक क्षण में भगवान मिल गए। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, एक विश्वास था। तो इसलिए विश्वास के द्वारा कर्म करें, कर्म को सही करें, परमात्मा पर विश्वास करें, तो निश्चित फल की प्राप्ति होती है। कई बार हमारे पास में कमेंट आते हैं, गुरुजी हमने हरिवंश पुराण सेवन करी, हमें बेटी हो गई। ज्यादातर तो कमेंट आते हैं कि हमें पुत्र प्राप्ति हो चुकी है, तो विश्वास है। परंतु कुछ लोगों का विश्वास ये क्यों हुआ विपरीत परिणाम, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है, त्रुटि रह गई है, उसी कारण से कर्म फल मिलने में देरी हो रही है। आप किसी को नंबर लगा रहे हैं, फोन नंबर लगा, एक नंबर भी गलत मिलेगा, तो एक नंबर गलत होने पर गलत कॉल लग जाएगी। इसी तरह से तन से मन से परमात्मा को एकाग्र होकर के पूर्ण विश्वास हो, नहीं मेरा काम होना है, तब निश्चय फल की प्राप्ति होती है। और उसके साथ में कहते हैं, गुरु जी हम हरिवंश पुराण सुन रहे हैं, क्या नॉन वेज खा सकते हैं? तुम एक दिन बिना नॉन वेज के रह नहीं सकते, कोशिश करें जल्दी से जल्दी कथा पूरी हो, जल्दी से जल्दी हमें तामसी भोजन खाने को मिले। अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं, सदव्यवहार कर नहीं सकते, सात्विक भोजन कर नहीं सकते, परमात्मा का विश्वास नहीं कर सकते, तो फल कैसे मिलेगा? पति पत्नी दोनों को अति आवश्यक है। गृह जीवन गाड़ी के दो पहिए, यानी कि एक के हिसाब से चल रहा है। पुत्र की चाहना क्या पत्नी को पति को नहीं है? वर्ष वृद्धि तो उसकी भी हो रही है। फिर भी कहते हैं कई बार हमारी माता बहने जो कर्म करती हैं, पति कुल का उद्धार करती हैं, अपने पितृ कुल का भी उद्धार कर देती हैं, पति नहीं मान रहा तो पत्नी को तो नियम पूरे रखने चाहिए, कथा के बीच में नॉन वेज नहीं खा सकते, सात्विक भोजन करें और इसके साथ संकल्प लेकर के कथा सेवन करें, और साथ में अपनी जन्म पत्री का विशेषण अति आवश्यक है। जन्म कुंडली से पता चले कि आपके योग हैं कि नहीं है, पति पत्नी की बेटी की कुंडली का विशेषण जरूर कराएं। अगर कुंडली नहीं है, जन्म डिटेल नहीं है आपकी, तो अपनी हस्तरेखा का विशेषण कराएं, प्रश्न कुंडली से करवाएं, उसके अनुसार उपाय करें। अगर आपके भाग्य में जरा सा भी 10% भी योग है तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। किसी की शादी में रुकावट है, शादी का हो, नौकरी का, हर कार्य के लिए ग्रहों के अनुसार उपाय करने पाते हैं, वो रुकावटें दूर हो जाती हैं। कई बार जीवन में जैसे होता है कि एक बहुत परिश्रम करता है फिर भी फल नहीं मिलता,
और एक कम परिश्रम करता है फिर भी फल मिल जाता है, वो ग्रहों के कारण होता है। ग्रह हमारे पिछले जन्मों के पिछले कर्मों का फल प्रदान करते हैं, जैसा हमने किया है अचानक हमें प्राप्त होता है। इसलिए पिछला जो है जो बिगड़ चुका जो बिगड़ चुका, पर अब आपको कोशिश करनी है कि अब हमें अच्छा करना है, अच्छे से उसका हम सदुपयोग करके कर्मों को सही प्रकार से करके ऐसा कार्य करें कि हमें बुरे कर्म करते हमें अतिशीघ्र फल की प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, इसके साथ में आपको अपनी कुंडली का जन्म पत्री का विशेषण के अनुसार नित्य प्रति एक चारण करना चाहिए। आप भगवान की कथा श्रवण के साथ में भगवत नाम का उच्चारण करें, नाम जप करें, और साथ में जैसे गर्भधान करना है सम डेट का प्रयोग करना है तो उसके लिए आप जो है सम डेट के बारे में जरूर देखा करें कि किस तारीख को सम डेट पड़ रही है। सम डेट की जानकारी जो है जिसमें कौन सी तिथि है, आज कौन सी तिथि है, कितने बजे से कितने बजे तक तिथि रहेगी, अगर आपके सम दिन में वो तिथि पड़ रही है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। नित्य प्रीति की जानकारी आपको हम दूसरे चैनल के माध्यम से बी एस शर्मा एस लोजर के माध्यम से दिया करेंगे। पहले भी कहा था उसमें नित्य की वीडियो देखें। सम डेट हमारे यहाँ निकालना बंद कर रहे हैं, किसी किसी की निकाली जा रही है जिनकी पत्री विशेषण हुआ, आप वहां पर वीडियो में नित्य प्रीति देख सकते हैं आज कौन सी तिथि है, कितने बजे तक रहेगी, किस तरह से उसका प्रयोग करें, ये उसमें शुरुआत हो रही है, तब उसका प्रयोग अवश्य करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और प्रिय दर्शकों, ज्योतिष से संबंधित जानकारी भी अतिशीघ्र हम चैनल पर शुरू करने वाले, जिसमें राशियों के अनुसार राशियों का ग्रह फलादेश क्या है, आपकी राशि क्या कह रही है, आपके योग किस दिन पर बन रहे हैं, किस तारीख को आपका प्रभाव ज्यादा रहेगा, ये सारी जानकारियां भी उस पर दिया करेंगे। उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर सब्सक्राइब करें। और कथा से संबंधित जानकारी जिसमें भगवान की कथा है उन चैनलों को भी लिंक मिल जाएंगे, उनको भी आप जरूर सुना करें। इसी प्रकार की जानकारी के लिए, पुत्र प्राप्ति से संबंधित जानकारी के लिए भी उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।